बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये समर 2007 के पेपर वन का क्वेश्चन नंबर फाइव है। ये कह रहा है द डायग्राम ओ ए बी इज अ सेक्टर ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ। ये ओ ए बी सेक्टर है, इसका सेंटर ओ है एंड रेडियस 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर, तो ये भी यकीनन हमारा 12 सेंटीमीटर ही होगा। अच्छा, द लाइन्स ए एक्स एंड बी एक्स आर टेंजेंट टू द सर्कल एट ए। ये ए एक्स और ये बी एक्स टेंजेंट है। टेंजेंट का मकसद है ये एंगल भी 90 डिग्री है और ये एंगल भी जो है वो 90 डिग्री है। अच्छा, एंगल ए ओ बी वन अपॉन थ्री पाई रेडियंस है। एंगल ए ओ बी वन अपॉन थ्री पाई रेडियंस है। फाइंड द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ ए एक्स। ए एक्स की कहते हैं एग्जैक्ट लेंथ मालूम करें। गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ रूट थ्री। रूट थ्री के टर्म में आंसर दें। सबसे पहले तो अगर आप ये ओ और एक्स को मिला दें, ए और एक्स को मिला दे, तो ये पाई अपॉन थ्री रेडियन है, तो ये जो आएगा ये आ जाएगा पाई अपॉन सिक्स के और ये भी पाई अपॉन सिक्स के। ये दोनों एक जैसे बिल्कुल ट्राइंगल हैं। ये 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर। ये ए एक्स है, ये एक्स भी, ये लेंथ दोनों की सेम ही होगी क्योंकि ये लेंथ इसलिए सेम होगी कि ये टेंजेंट सेम पॉइंट से हैं। तो ये ए एक्स, ये और ये दोनों की बिल्कुल सेम होगी। तो अगर देखें आप कि अब मुझे ये कह रहा है कि फाइंड एग्जैक्ट लेंथ ऑफ ए एक्स। ए एक्स की एग्जैक्ट लेंथ मैंने कहा ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ एक्स में अगर ये पाई अपॉन सिक्स है और ये सामने वाली साइड है, तो मैं लिख सकता हूँ कि टेंजेंट पाई अपॉन सिक्स बराबर होगा ए एक्स अपॉन 12 के। तो ए एक्स आ जाएगा 12 टेंजेंट पाई अपॉन सिक्स के। ये आ जाएगा 12 12। एक तो टेंजेंट पाई अपॉन सिक्स जो होता है, टेंजेंट पाई अपॉन सिक्स होता है 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3। तो ये आ जाता है 12 रूट 3 अपॉन 3 के। सिंप्लीफाई करेंगे, रूट थ्री से मल्टीप्लाई करें, रूट थ्री से डिवाइड करेंगे। अब डायरेक्ट मैंने डायरेक्ट लिख दिया, रूट थ्री से मल्टीप्लाई किया और रूट थ्री से ये 12 रूट 3 अपॉन 3 आ गया। 1 3 3 4 3 12, तो ये हमारा 4 रूट 3 सेंटीमीटर आ गया। ये ए एक्स की एग्जैक्ट लेंथ। अच्छा, अब दूसरा इसने कहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई एंड रूट थ्री। इसका आप एरिया मालूम करें, तो इसका एग्जैक्ट एरिया तो ये होगा कि ये दोनों ट्राइंगल के एरियाज और इसमें से ये सेक्टर का माइनस किया जाए, तो एरिया एरिया ऑफ ट्राइंगल दोनों का एक ही होगा। तो अगर मैं ये निकाल दूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए एक्स, ये जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2। इस तरीके से देखें एरिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एक्स और प्लस होगा प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, या पूरा शेडेड रीजन का अगर मैं पूरा एक दफ़ा लिख दूं तभी ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एक्स और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ एक्स और माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। डायरेक्ट एक दफ़ा लिखता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर है ये, ओ ए बी। तो आप देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये रिक्वायर्ड एरिया जो होगा एरिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए ए ओ ए एक्स निकाल सकते हैं 1 अपॉन 2 इंटू एक बेस है 12 और ए एक्स जो आया है वो एग्जैक्ट आया है 4 रूट 3, प्लस इसका भी ये आएगा 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 4 रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 r² थीटा। आर स्क्वायर है 12 का स्क्वायर और थेटा। अब ये पूरा लूंगा ये वाला पूरा, ये क्योंकि ये सेक्टर पूरे का, ये पूरा सेक्टर का ये चाहिए मुझे, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 12 स्क्वायर इंटू पाई अपॉन 3 के। इसको सिंप्लीफाई करता जाऊंगा मैं, सिंप्लीफाई कर दें तो ये आ जाता है 24 अंडर रूट 3 प्लस ये भी 24, ये जो है ये 6 24 अंडर रूट 3, ये ट्राइंगल का एरिया, और माइनस ये जो आ जाता है पाई के टर्म्स में ये आता है 24 पाई। तो ये 24 अंडर रूट 3 प्लस 24 ये हो जाएगा 48 अंडर रूट 3 और माइनस 24 पाई, क्योंकि इसने एग्जैक्ट में कहा है तो हम इसको इधर ही छोड़ देंगे और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया होगा। तो देखें कि बिल्कुल जब एग्जैक्टली कहे तो हमने एग्जैक्ट में छोड़ना होता है एरियाज को।